जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में इस कदर विवाद हुआ कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मैनपुरी थाना अलाव क्षेत्र के ग्राम किनदर्रा में दबंगों ने इस कदर तांडव किया कि एक गरीब परिवार को जमकर लाठी डंडों से मारा पीटा, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां आपको बता दें कि दबंग पीड़ित गरीब की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और जिसका विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ जमकर रा मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बावजूद इसके पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस भी उन पर हाथ नहीं डाल रही है। शायद दबंगों को किसी न किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वे अपने दबंगई करने से नहीं चूक रहे हैं। घायल गरीब बुजुर्ग ने घटना को लेकर क्या कुछ बताया, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जबरदस्ती चोट कैसे लगी, कितने लोग घायल हुए हैं? सभी घायल पूरा करो। क्या हुआ पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? ये लड़कियां अपना मल्ले बाप है, ये लोग आते से भुस डाल रही थी, दूसरे ट्रैक्टर वाले के पिछौरा आते वे खाली करते तीन में और उसमें डाल दिया, तीन पड़ी थी खड़ी डरी हुई। अच्छा तो ये बांस नी खोदने लगे, तो ये लड़की नी पर वीडियो बनाने लगी, चारों तरफ से ये सभी लोग मतलब पूरे परिवार के महेश राजी है, उनकी बहू, उनको लड़का लड़कनी और जो देखो विपन की बहू है, और किस चीज से मारपीट की है? किस चीज से मारपीट? अरे लाठी डंडा ईंट गुट्टी पूरे घर में मतलब ईट ही ईट बिछी है। कहाँ का मामला है ये? घर का। कौन से गांव का है? नंगला केंद्र। थाना कौन सा लगता है? थाना इलाहाबाद।